हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों आज है 25 मई, दिल्ली में इलेक्शन का दिन है और मैं और राधा हम दोनों भी बिल्कुल तैयार हैं वोटिंग के लिए, तो हम भी चलेंगे। दोपहर के बजे हैं दोपहर के दो बज गए हैं। देखिए कितना लेट हो गए हम, बाहर बहुत गर्मी है, ये देखिए कितनी तेज़ धूप है। इस धूप में जाने का मन तो नहीं है लेकिन जाएंगे ज़रूर। राधा वो इलेक्शन की स्लिप कहाँ है? देखो कहाँ है। दोस्तों हमें वोटिंग के लिए स्लिप मिली थी, मुझे और राधा को। यशवर्धन तो अभी छोटा है तो वो स्लिप लेकर जाएंगे तो हमारा थोड़ा टाइम बच जाएगा। ये स्लिप्स हैं, चश्मा ले चलना किसी और पर डाल जाओ तो इन्हें दिखाकर हमें एंट्री मिल जाएगी। और हाँ, आधार कार्ड या वोटिंग कार्ड भी ले लेना, पड़ गई तो। दोस्तों वोटिंग कार्ड तो हमारा पता नहीं कहाँ पड़ा है, लेकिन आधार कार्ड साथ में लेकर चलेंगे क्योंकि वो कई बार चेक कर लेते हैं वहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए। इस स्लिप के साथ साथ आधार कार्ड भी लेकर चलें, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। वैसे मुझे लगता नहीं है कि इतनी गर्मी में ज़्यादा भीड़ होगी, ज़्यादातर लोगों ने तो सुबह ही वोटिंग कर ली होगी। राधा आधार कार्ड ढूंढ रही हैं। राधा मिला क्या? मिल गया, ले आओ फटाफट। दोस्तों हमने ये अपने आधार कार्ड्स ले लिए हैं। फ़ोन इलेक्शन बूथ में शायद अलाउड नहीं होगा ले जाना, तो हम फ़ोन यहीं घर पर छोड़कर जाएंगे। अब आपसे आकर मिलते हैं और वोट डाल कर आते हैं, फिर आपको बताते हैं हमने किसे वोट डाला है, बताएंगे। चलो दोस्तों, गर्मी का टाइम है तो मुझे लगता है कि ज़्यादा भीड़ नहीं मिलनी चाहिए। राधा भी धीरे धीरे चल पड़ी हैं। बाहर देखिए पूरा खाली है और इस तरफ से जो लोग आते हुए नज़र आ रहे हैं ज़्यादातर वोट डालकर ही आ रहे होंगे क्योंकि उसी तरह हमारा पोलिंग बूथ है। ये अम्मा भी वोट डालकर आ गई हैं और ये हम अपने पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके हैं। इससे आगे हम फ़ोन नहीं ले जा पाएंगे। दोस्तों ये देखिए हम दोनों अपना वोट डालकर आ गए हैं। वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी टाइम लग गया। वैसे हमें लग रहा नहीं था कि इतनी दोपहर को इतनी भीड़ होगी, पर लाइन तो खाली थी। लड़कियों के लिए इस बार अलग लाइन थी, हमारे जेंट्स के लिए अलग थी, तो इनका नंबर तो जल्दी आ गया था पर मुझे टाइम लग गया। हमें लग नहीं रहा था कि दोपहर के टाइम इतनी ज़्यादा भीड़ होगी, लेकिन भीड़ थी, लोग काफ़ी दबा के वोटिंग कर रहे हैं। तो हम भी वोट डालकर आ गए हैं। राधा से पूछते हैं, राधा ने किसको वोट दिया? राधा किसको वोट दिया? मैंने एक अच्छे इंसान को दिया है। इन्होंने एक अच्छे इंसान को वोट दिया, मैंने भी एक अच्छे इंसान को ही वोट दिया है। और मुझे अच्छे इंसान को देते हैं, मुझे यकीन है आपने भी किसी अच्छे इंसान को ही वोट दिया होगा। हम सभी अच्छे लोगों को वोट देते हैं पर पता नहीं सरकार के काम वाले को देते हैं हम। पता नहीं कई बार सरकार के काम अच्छे क्यों नहीं लगते। खैर उम्मीद करते हैं एक अच्छी सरकार चुनकर आए। अब दोपहर का टाइम है, लंच करेंगे। राधा ने खाना बना लिया है, देखिए पसीना कितना आ रहा है, गर्मी कितनी है बाहर, तो अब लंच करेंगे। शाम को आज हमें एक माता की चौकी में जाना है, यशवर्धन के मामा के यहाँ, तो शाम को वहाँ चलेंगे। अभी लंच करेंगे और थोड़ा आराम करेंगे। लंच में क्या है राधा? रोटी सब्जी। तो चलिए, लंच के बाद राधा ने शाम को चलने की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। आज ये साड़ी पहनने वाली हैं तो साड़ी पर प्रेस करने में इन्हें कम से कम एक घंटा लगेगा, इतनी लंबी साड़ी है। मेरे तो कमर में दर्द हो जाए इतनी बड़ी साड़ी प्रेस करने में। खैर इन्हें करने देते हैं और मैं भी तैयार हो जाता हूँ। दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं, हम तैयार हैं जाने के लिए। मैं तो आपको वैसे ही दिख रहा हूँ क्योंकि गर्मी इतनी है, मैंने कोई चेंज नहीं किया। हाँ राधा तैयार हो गई हैं। राधा देखो, राधा ने साड़ी भी चेंज कर ली है, मैं वैसा का वैसा ही हूँ। तो चलते हैं अब माता की चौकी में। दोस्तों आज इलेक्शन की वजह से छुट्टी है और साथ साथ सैटरडे भी है, जिस वजह से रोड पूरा खाली है, तो हमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी पहुंचने में, बस 10 से 15 मिनट और उसके बाद हम माता के दरबार में होंगे। दे 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 दे
दोस्तों हम पहुंचे हैं, तब तक भजन शुरू हो चुके हैं, शायद हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, तो चलिए अब भजनों का आनंद लेते हैं। थोड़ी देर बाद हमें भूख लगी तो हम पहुंच गए हैं चाट काउंटर पर। राधा ने गोलगप्पे खाना शुरू कर दिया है और मैं अपने लिए कुछ और ढूंढ रहा हूँ। नाश्ते के बाद फिर से भजनों का आनंद लेते हैं। दोस्तों ऐसे ही झूमते गाते कब 2 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला, और अब वक्त है आरती का। बहुत सच्ची दरबार है। हाँ जी, 9 तो बजते